सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सूरत एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी यानी एपीएमसी को कड़ी फटकार लगाई और मंडी की जमीन में कथित हेराफेरी कर वहां 5 सितारा होटल और मॉल बनवाने पर आपत्ति जताई। ये आपत्ति जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जमीन की नीलामी किए बिना किसी होटल समूह को एपीएमसी की जमीन देना गलत है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दखल करने से भी इनकार कर दिया। बता दें हाईकोर्ट ने सूरत की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी को 5 सितारा होटल के निर्माण के लिए कथित हेराफेरी करने वाली जमीन की नीलामी करने का ऑर्डर दिया था। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पादीवाला की पीठ ने सूरत एपीएमसी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि आवंटित भूमि का उपयोग करने के लिए ऐसी नीलामी का ऑर्डर देने का हाईकोर्ट का फैसला एकदम सही है। इतना ही नहीं, सीजीआई चंद्रचूड़ ने मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि भगवान का धन्यवाद है कि मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने दखल दिया, ये तो सरासर एक घोटाला है। बता दें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले समिति की ओर से वकील मुकुल रोहतगी ने आरोप लगाया था कि गुजरात हाईकोर्ट में एपीएमसी को अपनी जमीन और संपत्ति से वंचित कर दिया गया है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी एग्रीकल्चर उत्पादों के लिए बाजार यार्ड के निर्माण के लिए जमीन पर 5 सितारा होटल या मॉल का निर्माण कैसे कर सकती है। बता दें कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अधिकारियों को एपीएमसी की जमीन की सार्वजनिक नीलामी करने और उसकी रकम को राज्य के एपीएमसी फंड में जमा कराने के ऑर्डर दिए थे। इस मामले में हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सूरत की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी के पदाधिकारियों के जरिए सार्वजनिक धन का कथित दुरुपयोग किया जा रहा है। याचिका में कहा गया था कि एपीएमसी ने गलत तरीके से मार्केट कमेटी फंड का 98 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।